दुमका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का 5 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। तीसरे दिन धरना स्थल पर स्थानीय सांसद सुनील सोरेन अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने फूलों झानों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धरना को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन की सरकार और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिबू सोरेन के परिवार के लोगों ने यहां का संसाधन को बांट लिया है। सांसद ने यह भी कहा कि इस सत्याग्रह से यदि सरकार नहीं चेती तो पूरे जिले में चक्का जाम कर देंगे। यहां जो है उस परिवार के लोग शिबू सोरेन के परिवार के लोग लोग आपस में जो है यहाँ के संसाधन को बांटने का काम किया है। यहाँ पर यहाँ का विधायक गिट्टी बेचने में मशहूर है, कोयला बेचने में मशहूर है और जामा के विधायक का बालू बेचने में मशहूर। ये लोग यहाँ के संसाधन को बांटने का काम किया और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, हमने बहुत पहले भी पत्रकारों के माध्यम से बोलने का काम किए थे कि यहाँ पर ओवरलोडिंग और जिस तरह से गिट्टी और बालू दूसरे राज्य को जाता है और उसमें खुलेआम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सम्मिलित है, उन लोगों ने रोड पर खुलिया रसीद काटने का काम करता है और वो रसीद जो है प्रत्येक थाना को दिखाया जाता है और तुरंत जो है बिहार बंगाल चला जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, इस आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है। अगर इस आंदोलन से सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग चारों बगल दुमका जिला में हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे। रोड पर बैठेंगे, शिकारी लगातार करता शिकारी पड़ा में बैठेंगे, दुमका के साथ करता दुमका में बैठेंगे, रानी सर के साथ करता रानी सर में बैठेंगे। इस तरह करके 24 घंटा का चक्का जाम करेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकार जागेगी। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री लूस मरांडी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता 30 जुलाई से धरना पर बैठे हैं। 3 अगस्त को सत्याग्रह आंदोलन का समापन होगा। लाइव लगातार के लिए दुमका से रूपम किशोर की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।